नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक फार्मेसी के विषय में बताना चाहता हूँ। इस फार्मेसी में ही हमने, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने आरोग्य काढ़ा बनाया था, तो इसी फार्मेसी में ही हमने आरोग्य काढ़ा बनाया है जो शास्त्रोक्त विधि से वो फार्मेसी निर्मित है, हमारे कॉलेज की फार्मेसी है। तो वह फार्मेसी में वो किस प्रकार की आयुर्वेदिक फार्मेसी होती है, इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग भी अगर भविष्य में फार्मेसी का निर्माण करें, आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करें, तो आप इस प्रकार की फार्मेसी का निर्माण करें जिससे आपकी औषधियां और अधिक सिद्ध होंगी। देखिए मित्रों, आज मैं आप लोग को आयुर्वेदी रसशाला के बारे में बताना चाहता हूं। कि आयुर्वेद में इसका वर्णन रस रत्न समुच्चय में वर्णित है कि हमारी आयुर्वेदी रसशाला किस प्रकार होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, ये दिशाओं पर आधारित है। पहले हम दिशाएं बनाएंगे, जो हमारी चार मुख्य दिशाएं होती हैं। देखिए ये उत्तर, यहां दक्षिण, यहां पूर्व और ये पश्चिम। ये हमारी चार मुख्य दिशाएं होती हैं और इन चारों दिशाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उन्हें भी दिशा में ही गणना किया गया है। चारों दिशाओं के मध्य चार कोण बनते हैं, तो उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य हमारे ईशान कोण का निर्माण होता है। पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य आग्नेय कोण का इस्तेमाल होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य नैऋत्य कोण का निर्माण होता है और उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य वायव्य कोण का निर्माण होता है। वायव्य कोण का निर्माण होता है। तो देखिए मित्रों, ये जो दिशाएं हैं, इन सभी दिशाओं में किसी न किसी देव का अधिष्ठान होता है। जैसे पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना करना है हमें। आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या भी पूजा की जाती है तो हमारा मुख जो होता है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर या क्योंकि इसके बीच में देखिए कोण भी ईशान कोण आ रहा है, क्योंकि यह दोनों दिशाएं ईश्वर संबंधित हैं, इन दोनों दिशाओं में ईश्वर का वास होता है। तो इसी प्रकार ईशान दिशा में, ईशान कोण में ईश्वर का वास होता है। तो पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना करती है। रसलिंग अर्थात पारत के शिवलिंग की स्थापना करनी है, क्योंकि हमारे रसशास्त्र के प्रमुख देवता भगवान शंकर, भगवान शिव ही कहे जाते हैं, उन्हीं का पूजन अर्चन करके ही हम अपने रसशाला का निर्माण करते हैं और समस्त औषधियों का निर्माण करते हैं। फिर हम देखिए पश्चिम दिशा में, देखिए जब रसलिंग का हमने निर्माण कर दिया, रसलिंग की स्थापना है, तो देखिए भगवान के लिए जल की आवश्यकता होती है, इन्हें जल चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो जल कहाँ से आएगा? हमारे पश्चिम दिशा से आएगा, अर्थात पश्चिम दिशा में वरुण देवता का अधिष्ठान है। वरुण देवता जल के देवता कहे जाते हैं। इस प्रकार यहां से हम जल चढ़ाएंगे, जो शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, पश्चिम दिशा की ओर से आएगा, क्योंकि वरुण देवता जल के देवता कहलाते हैं और इसीलिए यहां पर प्रक्षालन कर्म होगा, अर्थात जो भी औषधियाँ हम लाते हैं उसको धोते यहीं पर हैं हम। अब देखिए इसके पास में वायव्य कोण है जो उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य है, क्योंकि औषधियों को हमने सुखा धो लिया तो उसके बाद सुखाने का काम करेंगे। वायव्य अर्थात ये वायुदेव का अधिष्ठान है, वायुदेव का अधिष्ठान है और किसी भी औषधियों को सुखाने का काम वायुदेव ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर शोषण कर्म होगा, औषधियों को सुखाने का कार्य होगा, शोषण कर्म होगा। तो वायव्य दिशा में वायुदेव का अधिष्ठान है इसलिए शोषण का कर्म होगा, और पश्चिम दिशा में वरुण देव का अधिष्ठान है, जल का अधिष्ठान है, इसलिए यहाँ प्रक्षालन कर्म होगा। उससे प्रकार देखिए देव मित्रों, जिसके पास पैसा होता है, देखिए वह अधिक ऊंचाई तक जाता है, ऊपर की ओर जाता है, अर्थात उत्तर दिशा में कुबेर भगवान का अधिष्ठान है। सभी लोग जानते हैं कि भगवान कुबेर धन के देवता कहलाते हैं, अर्थात जो देखिए जिसके पास पैसा होता है बहुत ऊपर रहता है, ऊंचा की ओर रहता है, इसलिए उत्तर दिशा में कुबेर का अधिष्ठान है। और यहाँ पर रसशास्त्री बेधन कर्म होगा, बेधन कर्म, बेधन कर्म मतलब यानी होता है निम्न धातु को उच्च धातु में परिवर्तित कर देना। यहाँ पर
निम्न धातु को उच्च धातु में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात यहाँ पर लौह भेद किया जाता है, अर्थात लोहे को सोने में कन्वर्ट किया जाता है। यह एक भारत के संस्कारों में वर्णित है, इसके द्वारा हम लोहे को सोने में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि उत्तर दिशा में होता है और कुबेर का स्थान है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में देखिए, हम देखिए कि किसी भी प्रकार की कुटाई पिसाई का, जैसे हम खरल में कूटने पीसने काम करते हैं तो नीचे की ओर करते हैं, तो जब तो नीचे की ओर दिशा है, दक्षिण की दिशा है, तो यहाँ पर पाषाण कर्म होगा, मतलब कुटाई पिसाई का कार्य होगा, कुटाई पिसाई का कार्य होगा। और इसी के अनुसार यहाँ पर पल्वेराइजर मशीन भी रखी जाती है, क्योंकि पल्वेराइजर मशीन भी चूर्ण निर्माण का काम करती है। अब हम देखिए पूर्व और दक्षिण दिशा में आग्नेय कोण है, नाम से संबंधित है, यह अग्नि देवता का अधिष्ठान है, अग्निदेव का अधिष्ठान है, अतः जितने भी पाक कर्म होंगे वह आग्नेय कर्म होंगे, अर्थात जो भी हम स्नेह पाक करेंगे, तेल का निर्माण करेंगे या कोई भी औषधियों को पकाएंगे, हम आग्नेय कोण में पकाएंगे। अब देखिए, अब जब हमारी औषधि बन गई तो हमें इसे ईश्वर पर समर्पित करना है, तो उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में ईशान कोण होता है, तो यहाँ पर सिद्ध औषधि का संग्रह करेंगे, सिद्ध औषधि अर्थात जो हमारी रसाद की औषधि बन जाएगी उसे हम भगवान को समर्पित कर देंगे, वो ईशान कोण में करेंगे, क्योंकि वह ईश्वर का अधिष्ठान है, ईश्वर को भोग लगाएंगे। अब देखिए ईश्वर का विरोधी कौन होता है, सब लोग जानते हैं ईश्वर का विरोधी राक्षस होता है, तो देखिए जस्ट इसके एंटागोनिस्ट विरोध में नैरित्य, नैरित्य मतलब नीच प्रकृति के लोग जो होते हैं, अर्थात राक्षस जो लोग होते हैं, आप लोग देखे होंगे राक्षस लोग हमेशा तलवार लिए रहते हैं, तलवार लिए रहते हैं, अर्थात वो कौन सा कर्म करेंगे, शस्त्र कर्म करेंगे, शस्त्र कर्म अर्थात जहां को रसाला में कोई चीज काटनी पीटनी है तो उसका काम हम शस्त्र कर्म के माध्यम नैरित्य दिशा में करेंगे। तो इस प्रकार मित्र आठों दिशाओं के माध्यम से हम, यह साइंटिफिक है, और इन दिशाओं के माध्यम से अगर हम कोई भी कर्म करते हैं रसाला में, उसके पश्चात जो औषधि हम निर्माण करते हैं वह बहुत और ईश्वर को समर्पित करते हैं, वह पूरी तरह से ईश्वर सिद्ध होती है और अत्यंत लाभकारी होती है।